तो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि NCTE ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने इग्नू को BEd रन करने की जो स्वीकृति है वो प्रदान कर दी है और जल्दी ही BEd के फॉर्म आएंगे, ऐसा हमने उस वीडियो के माध्यम से कहा था। तो देखिए, वो बात अच्छा से सही हो गई है और हम अभी इग्नू की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है ignou.ac.in, उसके होम पेज पे हैं और आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए अप्लाई फॉर MBA एंड BEd एंट्रेंस टेस्ट January 2019। तो इग्नू ने अपने होम पेज पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म BEd के लिए और MBA के लिए जारी कर दिए हैं और डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी बातें करेंगे आपसे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप से संबंधित वो तत्काल मिल जाया करें। तो देर नहीं करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए लिंक पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में। यहाँ पर MBA और BEd के अलग अलग लिंक दिए हुए हैं, तो चलिए BEd के बारे में बात कर लेते हैं। BEd एंट्रेंस टेस्ट January 2019, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आप इस नए पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर BEd एंट्रेंस टेस्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इग्नू ने पहली बार एक नया काम किया है। अभी तक जो इग्नू BEd के फॉर्म भरे जाते थे वो ऑफलाइन मोड पर भरे जाते थे, यानी कि आपको क्षेत्रीय केंद्रों से फॉर्म खरीदने पड़ते थे। BEd के जो प्रॉस्पेक्टस जिनको आप बोलते हैं, विवरणिका जिनको बोलते हैं आप, वो लेना पड़ता था, फिर उसमें से फॉर्म निकाल के भरना पड़ता था, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके क्षेत्रीय केंद्रों को भेजना पड़ता था। तो अब इग्नू ने ICT का अच्छा प्रयोग किया है यहाँ पे और वो सब झंझट खत्म कर दी है और इसको सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर दिया है। अब आप जैसे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हैं इग्नू के दूसरे प्रोग्रामों के, उसी तरह से इग्नू के BEd के एंट्रेंस के भी ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। कैसे भरेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि इग्नू में BEd के एंट्रेंस में बैठने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी फीस है, कितने साल का प्रोग्राम है, कब एंट्रेंस होगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा कुछ बेसिक्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए इसमें जो डिटेल्स है प्रोग्राम के बारे में, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम सब लेवल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे BEd आप ऑप्शंस चूज करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसे, ये प्रोग्राम सब लेवल में आप जाइएगा और यहाँ पे आप BEd सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पे पूरा उन्होंने डिटेल बता दिया है इस प्रोग्राम के बारे में और जो मेन एलिजिबिलिटी है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा है कि पहली एलिजिबिलिटी के साथ एक और एलिजिबिलिटी है, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और उसके साथ और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए इग्नू BEd के लिए, इस तरह से इन्होंने एलिजिबिलिटी डिफाइन की है। तो पहली चीज़ तो यह है कि आप या तो ग्रेजुएट हों या मास्टर डिग्री हों। ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में कितने परसेंट होने चाहिए, तो इसके बारे में ये है कि 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में। वो लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री कर रखा है और साथ ही साथ उनका स्पेशलाइजेशन है साइंस या मैथमेटिक्स में, उनके लिए 55% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है। लेकिन जो लोग SC ST OBC या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है 50% ना होकर 5% का रिलैक्सेशन है, तो 45% में ही वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एक और चीज़ यहाँ पे डिजायरेबल है, सॉरी कंपलसरी है, डिजायरेबल नहीं कंपलसरी है, आपने ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कर रखा हो। अब जब हम ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो BTC का आता है UP में खासतौर पर जो चलता है, एक DLED का आता है। तो अभी इसमें क्या क्या कोर्सेस हैं, इसकी जो क्राइटेरिया है वो अभी डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में दिया है वो यही दिया है कि आप ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होंगे और कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ए NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू फेस मोड, वही लोग कंसीडर किए जाएंगे। आपने फेस टू फेस मोड से NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा हो और ट्रेंड इन सर्विस टीचर हों आप, ये आपको इंश्योर करना है। साथ ही साथ आप बैचलर या मास्टर डिग्री रखते हों जो इन्होंने परसेंटाइल का क्राइटेरिया बना रखा है। तो ये तो अभी इन्होंने बेसिक एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो है मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 2 साल का ये प्रोग्राम होगा, मैक्सिमम 5 साल आपको मिलेंगे प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। 50,000 रुपये इसकी फीस रखी है पूरे 2 सालों के लिए, कंप्लीट प्रोग्राम का जो फी है वो है 50,000। अब इसके बारे में आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है। आप यहाँ पे संपर्क करके जो जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं उनका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको BEd के बारे में हमने बताने का प्रयास किया और हमने बताया कि इग्नू ने BEd के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, BEd एंट्रेंस में बैठने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। दिसंबर में इनके एग्ज़ाम होंगे, 15 नवंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। किस तरह से फॉर्म भरना है इसके बारे में तो हम अलग से आपको बताएंगे, अलग से वीडियो बना के बताएंगे। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए, जैसे कि आपके स्कैन किए हुए फोटोग्राफ्स हों, सिग्नेचर्स हों,
और पेमेंट के लिए आपके पास नेट बैंकिंग हो या एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी हो, साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद इसको आप स्टेप बाय फॉर्म भर पाएंगे। इसमें ये चीज़ें पूरी बताया है इन्होंने और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं क्या क्या चीज़ें आप स्टेप बाइज क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्टर योर सेल्फ के माध्यम से। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो इस पर हम बात करेंगे आगे। तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। आप अगर उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल होती है तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम में बैठिए और 15 नवंबर तक आपको फॉर्म भरना है। इम्पॉर्टेंट ये है, एग्ज़ाम की डेट अभी फाइनल नहीं है, दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। और बाकी डिटेल आपको जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम आपको देते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।